इसको मैं कुकर में डाल दूंगी राजमा को। मैं ये काली मसूर डालूंगी, दोनों मिक्स करके मखानी दाल, मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, मैं इसको चढ़ा दूंगी। मैं चावल चढ़ा डालिए चम्मच तेल, डालेंगे प्याज, मेरा राजमा और काली मसूर की दाल, ये देखिए मखानी दाल बनाएंगे, राजमा और काली मसूर की दाल। प्याज हो गया, टमाटर
छड़ी, धनिया पाउडर 2 चम्मच, मिर्चा पाउडर 2 चम्मच घी छोड़ूंगी, क्योंकि मक्खन डालते हैं मक्खन खत्म हो गया है, इसी से मैं घी छोड़ दे रही हूँ। अब ये है मखाना, बहुत टेस्टी है ये राजमा, काली मसूर और मखाना, इसकी दाल बहुत टेस्टी है, मखानी दाल। दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।